गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज दिग्विजय सिंह. वेलकम टू द फिजिक्स क्लास, क्लास 10th. वी आर स्टिल डीलिंग विद द सेम चैप्टर लाइट. हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके हैं. अभी फाइनली जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं पहले आपको ये दो न्यूमेरिकल्स बताता हूँ. मैं टाइम बचाने के लिए आपका पहले से ही लिख के रख दिया यहाँ पे. तो एक एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं. आई जस्ट रीड आउट द फर्स्ट वन, ध्यान से सुनिए. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 1.36. वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर. ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिर से इस वीडियो में बोल रहा हूँ. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वही तरीके हैं. कभी भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा, उसके बाद क्या पूछा गया है टू फाइंड, और उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला यूज. गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला यूज, ये तीनों के बाद ही आप सॉल्यूशन करेंगे. ये टिपिकल बोर्ड का स्टैंडर्ड है, इसी को फॉलो कीजिए और गलती भी बहुत चांसेस कम होने की है. तो सेकंड क्वेश्चन है बाद में करता हूं, पहले हम लोग विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा के साथ. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 1.36. वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर. एक ही चीज गिवन है, क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर. अब यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपने जो थ्योरी में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वॉटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर. मतलब आप जब लाइट रे एयर से ट्रेवल करके उस मीडियम में आ रही है उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.36. तो पूरे क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको ये लिखना आना चाहिए कि क्या गिवन है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ध्यान रखिए. ये लिख लिया, खत्म हो गया, गिवन और कुछ भी नहीं है. टू फाइंड, टू फाइंड में क्या क्या है, टू फाइंड में तो एक ही चीज पूछी है इसने, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर, यही पूछा है. तो VW बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर. अब फॉर्मूला यूज, अब इन दोनों को देख के आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखिए हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर, यही होगा करेक्ट. और हमें एक और चीज पता है, क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज नोन एज सी, उसी को सी बोलते हैं और उसकी वैल्यू भी फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वैल्यू ऑफ सी आपको याद रखनी है. सी की वैल्यू 3 × 10⁸, ये आपको पता ही होना चाहिए, याद रहनी ही चाहिए. बस अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये देखिए, ये गिवन है आपको, ये रहा, ये गिवन है आपको या याद होना चाहिए रेदर, तो ये रहा, ये निकालना है. अब तो सिंपल मैथ्स है एकदम, कुछ है ही नहीं, तो सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग. क्या यूज करेंगे, ईटा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू. निकालना क्या है, वी डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इंप्लाइज वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ईटा डब्ल्यू ए. Putting the values 3 × 10⁸ divided by 1.36. अब ये simple calculation है math की, 3 / 1.36 × 10⁸. अब देखिए इसका answer कैसे निकाल सकते हैं, आपको आता है ये सब चीजें तो 10th में level पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, but still ये dot यहाँ पे, इसको हटाने के लिए ऊपर भी 100 से multiply कर दो, नीचे भी 100 से multiply कर दो, तो ये number बन जाएगा 300, ये number बन जाएगा 136, 10⁸ as it is रहा. काटना चालू कीजिए, 2 के टेबल से काटिए, तो ये हो जाएगा 300 को आपने 2 के टेबल से काटा तो क्या हो जाएगा 150, 136 को 2 के टेबल से काटा तो क्या हो जाएगा 68 × 10⁰. फिर से काटते जाइए, बस यही है, और है क्या इसमें, 34 75 75 बाई 34, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 37.5, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 17. अब आया 37.5 और 17, 37.5 और 17 को डिवाइड कीजिए 10⁸ एज इट इज आ गया, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, सीधा स्ट्रेट 17 के टेबल से ही काट दिए, 17 × 2 = 34. डॉट कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 35 36 37, फिर से 35, फिर से 17 × 2 = 34. बस काफी इतना नंबर हमको, तो सिंपल है आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज
2.2 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था, बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो था वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये थ्योरी याद रखी है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट एयर से आ रही है तो उस मीडियम में जा रही है, बस उसी पे बेस दिया था, फॉर्मूला यूज किया, सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सॉल्व कर दिया हमने। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहीं पे हो जाएगा, हमको उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले रीड आउट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ओके, लाइट ट्रेवल्स विद 1.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड इन ए मीडियम एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0.75 × 10^8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एंटरिंग अनदर मीडियम। वॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है बहुत कुछ। तो लाइट एक मीडियम में चल रही है, उसने नाम नहीं दिया है कुछ, एक मीडियम 1 ले लो जिसकी स्पीड है 1.5 × 10^8, और फिर उधर से वो मीडियम 2 में एंटर करती है जहां पे स्पीड है 0.75 × 10^8। तो पूछ रहा है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए वही फॉलो करेंगे वापस। गिवन, सबसे पहले गिवन, अब इसमें देखिए कुछ कुछ ज्यादा दिया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही चीज थी, इसमें हमको कुछ कुछ तो दिया है। तो पहला हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मीडियम 1 क्या है, उसका नाम दे देते हैं 1, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई, तो मैं दे देता हूं v1 इज इक्वल टू 1.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम भी दी हुई, तो मैं उसको बोल देता हूं v2 0.75 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। अब इतने ही दो चीजें ही गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए। लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 1.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0.75 × 10^8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एंटरिंग अनदर मीडियम, बस इतना ही गिवन था। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो है टू फाइंड, तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय टू फाइंड लिखेंगे। क्या पूछा उसने, ये लिखना आना चाहिए आपको। अब ये कॉन्सेप्ट है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये लिखते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये पूछा है, तो ये ध्यान रखना, ये लिखना आना चाहिए ईटा 2 1 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये तो मतलब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसको थ्योरी समझ में आ गई उसके लिए बहुत सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है ये, कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। फॉर्मूला यही यूज होगा, इस चीज को किस तरह से लिखा जाता है वही बस लिखना है। ईटा 2 1 क्या होता है, ईटा 2 1 इज v1/v2, बस v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, ईटा 2 1 पूछ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास दमी नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें, पर आपको मेन यही है कॉन्सेप्ट, ये सब लिखना आना चाहिए कि ईटा 2 1 क्या है, ईटा 1 2 क्या होता। सॉल्यूशन देख लीजिए फिर से, ईटा 2 1 इज इक्वल टू v1/v2 putting the values, v1 दिया हुआ है 1.5 × 10^8 divided by 0.75 × 10^8, 10^8, 10^8 दोनों उड़ गए, ईटा 2 1 क्या बचा 1.5 divided by 0.75, आपको देख के समझ में आ रहा होगा डबल है 2, आंसर आ गया ईटा 2 1 इज इक्वल टू 2। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है 2। यहां पे हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में गिवन होता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो आप क्या करते, तो एक तरीका वही है, पूरा फिर से लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज ईटा 1 2, फिर से फॉर्मूला डालते v2/v1 और फिर उसको वैल्यूज डालते हैं, उसको सॉल्व करते और आंसर निकलता बराबर। पर एक और शॉर्टकट तरीका याद रखना, गलती से कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में बोर्ड में तो फिर से वो मूर्ख की तरह पूरा सॉल्यूशन मत करते रहिए, आपको पता है शॉर्टकट, ईटा 1 2 इज इक्वल टू 1/ईटा 2 1, सिंपल है, रिवर्स करना है आपको सिर्फ। तो अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो आप जानिए उसका आंसर है 1/2 0.5, सिंपल है ये, जस्ट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो आई थिंक इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, आप अपना टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हमारा पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, न्यूमेरिकल्स भी देख लिया हमने। कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशंस है, प्लीज कॉल मी बैक और पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़िए।
मैं आपका डाउट्स लेता हूँ उसमें, एंड होप सो ये समझ में आया होगा। इसका होमवर्क मैं आपको बाद में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।